नमक हमारे चेहरे के उन छेदों को खोल देता है, उन छिद्रों को खोल देता है जो कि पोल्यूशन के कारण भर जाते हैं, और उस जगह पर हमारे चेहरे पर कालापन होने लगता है, या फिर हमारे चेहरे पर जो गंदगी होती है वो नहीं हटती। हम हर दिन साबुन का प्रयोग करते हैं जो कि ऊपरी परत को हटा देती है, लेकिन हमारे चेहरे की जो डेड सेल्स होती हैं वो उन्हीं जगह पर बनी रहती है जहाँ पर होती है। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घरेलू गुलाटी के एक नए वीडियो में, जिसमें मैं नमक के आपको ऐसे प्रयोग बता रहा हूँ जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और किस प्रकार नमक का उपयोग करके आप अपने चेहरे को सुंदर, गोरा और निखरा बना सकते हैं। ये बड़ा बेहद आसान नुस्खा है, वो बड़ा ही कारगर नुस्खा है जो घर पर मिलने वाले नमक, खाने वाले नमक से आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नमक जो होता है वो एसिड का, बेस का काम करता है, और बेस का काम करने की वजह से जब आप चेहरे पर इसे लगाएंगे तो आपके चेहरे की जो ऐसी सेल्स हैं, ऐसी परत है आपके चेहरे पर जो डेड सेल होती है, हमारा चेहरा भी अपनी एक जो ऊपर की इसकी चमड़ी होती है उसे हमेशा बदलता है, जैसे कि सांप बदलता है, तो उसको क्या है हम पूरी तरीके से निकाल नहीं पाते और वो धीरे 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 निकलती है। तो हमें क्या करना है कि उस डेड सेल को निकालने के लिए आपको नमक जो घर पर उपयोग करते हैं उसकी 3 चम्मच नमक और उसमें 4 से 5 बूंद कोकोनट ऑयल मिला के आपको धीरे 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 मसाज करना अपने चेहरे की। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में आपकी डेड सेल्स ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि घर पर मिलने वाले ऐसे तमाम नुस्खे जो घर पर मिलने वाली चीज़ों से बनते हैं मैं आपको हर दिन बताता हूँ। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और आप ज़रूर इसे आजमाएं, मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा रहा, किस प्रकार से आपको फ़ायदा हुआ। आप इसे लगाने के बाद सिर्फ 2 या 3 मिनट के बाद अपने चेहरे को गुलाब जल से धो लें तो ये आपको एक सॉफ्टनेस भी देगा। आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।